गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार। ये हमारी भतीजी आ गई है सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए। इसने कल शपथ खाई थी कि पढ़ेगी और अपनी शपथ इसने निभाई, पूरी कर रही है, एकदम सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। एक नंबर खुशी, वेरी गुड। और ये बेचारी मेरे इधर, ये छोटी शीतांशु, ये बहुत उदास है सुबह सुबह, बहुत उदास। पता नहीं इसको क्या हो गया, अभी जस्ट नीचे से आई है और बहुत उदास है। आई कहा जर छोना, क्यों आप उदास हो? सबसे प्यारी है शीतू की आंखें। क्या क्या लिखा आपने? ए बी सी डी। अरे जी कैसे आएगा खुशी? ए बी सी डी, इसलिए मैंने पहले बोला था कि खुशी ए बी सी डी पहले याद कर लो, पर नहीं, चाचू को तो नहीं सुनोगे, है ना? आपको याद ही नहीं है। बोलो ए बी सी डी। ये कल तक पढ़ नहीं रही थी तो इसको मैंने कल शपथ दिलाई। ये कल बहुत रोई तो मैंने इसको समझाया कि अभी तुम चाचू की नहीं सुन रहे हो, पढ़ो पढ़ो, फिर बाद में आगे जाके बोलोगे चाचू हमको क्यों नहीं पढ़ाया। तो इसने कल शपथ ली कि चाचू मैं अभी से आपकी सब बात सुनूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी। तो कल शाम से इसने 3 पेज कर लिए, लेकिन मेन है, मेन लिखना नहीं है खुशी, सिर्फ लिखना, मेन समझना, समझो फिर लिखो। इसलिए अभी ये बंद करो और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है? आपने क्या बोला था? चाचू आपकी सब बात सुनेंगे ना, तो अभी ये बंद करो और मैं आपको बेसिक ए बी सी डी की बुक दे रहा हूँ, वो पढ़ो उंगली रख के, ए बी सी डी। जब आप याद करोगे फिर लास्ट में ये निकालना और फिर ये कंप्लीट करना, और उसके बाद एक दोबारा ए बी सी डी की बुक लाएगी, फिर उसमें आप बिना देखे लिखना, ठीक है? ये तो आपने बस ऐसे रट्टा मार मार के लिख लिया है, देख देख के, इधर ए है, आई है, बी है ना शित्तू? मूड अच्छा हो गया शित्ती का? हाँ, क्या हो गया था? आपको बलून चाहिए? हाँ। ये बेटू को हमेशा बलून लगता है खेलने के लिए। क्रिश बेटा आ जाओ, बेटा देखो दीदी, देखो खुद से पढ़ रही है। उसको बोलकर अपने अपने दुपहर में विश मांगी थी ना? हाँ, शपथ ली थी। हाँ, हाँ, जाओ उसको लेके आओ, आपको हेल्प कर देगा ये एबीसीडी लिखने में और एबीसीडी पढ़ने में। चाचू तब तक ब्रश कर रहा है। वो हमारे ठुल्लू राम कैसा है, मैं जो भी बोलता हूँ वो सुन लेता है, बोलता है ये करो वो करता है, बोलता है ये करो वो करो, अभी पढ़ना है, इतने टाइम पढ़ना है, वो करना है। तो अभी इसने कल से शपथ ली है, इसको दिलाई मैंने, थोड़ा माइंड गेम खेला इसके साथ, इसको शपथ दिलाई। तो कल से एकदम सीरियसली पढ़ रही है, लेकिन वो ठुल्लू राम पहले से सीरियसली पढ़ता था तो उसको सब आता है। तो अभी वो क्या करता है, वो इसको ए बी सी डी सिखाता है, ए बी सी डी ई एफ जी ए से लेकर जेड तक पूरा सिखा रहा है। अरे शीतू, वाह 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 वाह, खुद से लिख दिया मेरा छोटू ने। हाँ, ए है, क्या है? ए फॉर अंजलि दीदी, है ना? ए फॉर अज्जी, ए फॉर एप्पल। लिया ना बेटा, आपने भी तो शपथ लिया ना रात को कि आप डैडी की सब बात सुनते हो, तो आप सुनते ही हो, लेकिन फिर भी आपने, हाँ हाँ, नहीं वो तो रात को एक ही बार लेते ना बेटा शपथ, एक ही बार लेने का और उसको निभाने का। अभी आप एक काम करो, पहले तो आप अपना बाद में स्टार्ट करो, पहले खुशी दीदी को आप ए बी सी डी सिखा दो, ठीक है? मैं आपको बुक दे देता हूँ। हाँ 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 हाँ, डिबू ने लिख दिया और अच्छा ना बेटा ने, ए मैं आपको बुक दे रहा हूँ निकाल के। आप, मैं तब तो ब्रश कर रहा हूँ, नाश्ता कर लेता, अब तब तो खुशी दीदी को ए बी सी डी पूरा सिखा दो, ए से लेकर जेड तक, ओके? हाँ दादी, यस हमको बड़ा हो जाएगा। हाँ बेटा, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा जब तक मेरा नाश्ता वाश्ता सब हो जाएगा। हाँ, फिर एक सरप्राइज भी लेके आएंगे आज अपन लोग। हाँ, आज एक सरप्राइज लाना है, ये एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू बेबीज फ्यूचर, और मतलब बेसिक चीज़ है, लेकिन जिस तरह से मैं उसे देख रहा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ उसे, और जो चीज़ें बच्चे लोग उससे सीख पाएंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए, आपको भी पता चलेगा कि आज क्या लेके आने वाले। अब पता नहीं, मेरा प्लानिंग तो है, सब रेडी वेडी करके जाऊँगा और लेकर आऊँगा, मेरे वाइफ को लेकर जाना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी चीज़ है वो। हाँ बेटा, वो बड़ी चीज़ है। आप कैसे आएंगे हमारे साथ? हम स्कूटी पे जाएंगे, साइकिल आपके बर्थडे के दिन हम लोग जाएंगे मम्मी डैडी और लेकर आएंगे, फिर आप लोग देखो ना क्या। हाँ, तो मम्मी पीछे पकड़ेगी ना बेटा, डैडी अकेले कैसे लेके आएंगे? अरे अब फिलहाल दीदी को सिखा दो, मैं आपको बुक निकाल के दे रहा हूँ, माई फर्स्ट बुक ऑफ ए बी सी। हाँ जाओ खुशी, पहले ए बी सी डी सीख लो बेटी। शीतल आप अभी उधर से हट जाइए बेटा, उठ जाइए शीतू, हमें तब तक ये सब क्लीन कर देता हूँ। हाँ, आप एक काम करो, सब बच्चे लोग थोड़ा उधर से हट जाओ, अपना सब चीज़ें उठा के इधर ले लो, मुझे तब तक चादर झाड़ने दो, ठीक है? मैं चादर झाड़ लेता हूँ, सब दोबारा रख देता हूँ, फिर आप पढ़ाई शुरू करो, ओके? चलो, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 एक्शन। हम दीदी को सिखा रहे हो, वो इंतजार करके
दीदी पता है ये शीतल ये खुशी दीदी ये दादी शीतल मस्ती कर रही है और ये भी मस्ती कर रही है। अरे टुल्लू राम फॉर केक A for ice cream. J for chocolate. J for chocolate. भाई नहाते नहाते शाम के 5 बज गए और अभी तक मैंने वो सामान नहीं लाया, तो अभी जस्ट नहाया हूँ और मैं जा रहा हूँ वो सामान लाने के लिए जिसके नाम बताया था। लेकिन हमारी जो सरकार है रागनी जी वो गई है क्लासेस, वो सिलाई मशीन सीख रही है पिछले 1.5-2 महीने से, तो पहले उसको पिक करेंगे। फिर हमारे यहाँ पर पास में दरगाह है, वहीं पर मैंने एक्चुअली 5-6 दुकान देखी। 5-6 दुकान देखने के बाद मुझे जो सबसे लोवेस्ट प्राइस मिला उस सामान का, थोड़ा मोल भाव करके कम ज़्यादा कर कम करके तो वो दुकान में फाइनल किया है। अभी जाकर बस लेना है वो सामान, तो चलो चलते हैं। मैं बहुत गड़बड़ेगा मेरा क्योंकि 6 बजे लॉगिन है और अभी बज रहे 5, तो जैसे सामान वामान ला कर इधर रखना है और 5:30-6 बजे तक ये सिस्टम जो है चालू हो जाना चाहिए। अब पता नहीं ये टास्क में कर पाऊँगा कि नहीं। लेट्स सी। ए ठुल्लू सो जा। रागनी बैठी है क्लासेस में एकदम चुपचाप से, मैंने उसे बोला बाहर से, रागनी हो गया क्या तेरा, चल रही है उसका एक्चुअली 5 बजे का टाइम है तो ऑलमोस्ट हो गया उसका। देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना उसको ये सब करते हुए, देख वो सिलाई कर रही है जो भी सीख रही है, जैसे अपना छोटा बच्चा होता है ना वो स्कूल में जाता है तो सीखता है तो माँ बाप बाहर खड़े रह के देखते हैं बच्चा सीख रहा है तो कैसी खुशी होती है, वैसी एक खुशी मेरे को होती है जब रागनी क्लास जाती है ऐसा उसे करते हुए आज देख रहा हूँ। ये आ गए रागनी साहिबा स्कूल से। चल 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 रागनी ले पकड़, तेरे पास ही रखी। जो सामान लाना था वो घर पर आ गया है, यहीं पर है वो। और ये हमारे सरकार जी ने भी हेल्प की, थैंक यू रखने के लिए। ये जो सामान है ये एक्चुअली हम लोग 3-2.5 साल से सोच रहे थे लाएंगे, पर ऐसी कुछ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ। हमारी जो बच्चा पार्टी है वो सोई भी है, तो इसका जो उद्घाटन है वो बच्चा पार्टी उठने के बाद करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि तब थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल और होगा ना, वो खुशी वो बच्चा पार्टी उठेगी देखेंगे और इसकी पूजा वजा भी करेंगे तो वो वीडियो में कैप्चर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो पोर्शन है ये जो है ये पूरा क्लीन करना है और उस सामान को यहाँ पर रखना है। और ये रागनी जी को भी खाना खाने तो ये जाएगी खाना खाने के लिए, मैं ये सब क्लीन करके यहाँ रख दूँगा, उसके बाद सिस्टम लॉग इन करके काम शुरू, फिर जब तक बच्चा पार्टी उठेगी तब इसकी पूजा वजा करके सब टन 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 तब आप लोगों को ही मिल जाएगा इसका दर्शन। ओके सोचते रहे जब खाना खा रागनी, पहले खाना खा। सुबह से सब तेरे को बोल रहे हैं मौसी मम्मी सब खाना खा, लेकिन तू है कि नहीं, खाना छोड़ के पतले नहीं होते, एक्सरसाइज करके पतले होते हैं। घर का काम करना अलग बात है और एक्सरसाइज अलग बात है। घर का काम करने में तो एक्सरसाइज होती है, लेकिन एक्सरसाइज होती है। खुशी वो कैसा है? अच्छा है। अभी शीतू भी आएगी ना तो अपन उसका पूजा कर देंगे। अंजलि शीतल ये देखो क्या है बच्चा इधर। हाँ। कैसा लगा? छान। हाँ। अच्छा लगा? शी गंदे में पड़ा था वो, क्या हुआ? या ऐसा काम करने का चाचू ने या ऐसा ऐसा काम और पानी चाहिए लाओ इधर। या ऐसा होता है भाई ये वर्क फ्रॉम होम, देखो ये ऐसा होता है, ये वर्क फ्रॉम होम ऐसा होता है ऐसा। ये सबसे शैतान बच्ची, इसलिए इसका नाम ही शैतान शीतू है और इसका नाम खुशी जो बहुत कम खुश रहती है। तो भाई जो चीज़ लाई थी हम लोगों ने वो ये था छोटा सा कपाट, और वो भी स्पेशली इसलिए रहा था क्योंकि ये बच्चे की किताबें हो गई है बहुत सारी और वो ऐसे ही इधर पड़ी रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे पड़ी रहे ये जो किताबें ये अच्छे से एक जगह पे रहे और जो थोड़े बहुत कपड़े वो भी उसमें जाए, लेकिन मेन इसकी किताबें है। हाँ कृष्णा अभी संभाल के रखने का इसके अंदर, ठीक है? हाँ हाँ किताबें संभाल करके रखने का, क्योंकि किताबें आपको क्या देती है, बुक्स आपको क्या देती है, नॉलेज। हाँ ऐसा कैसा, पहले हल्दी लेता है, दोनों हल्दी कुमकुम दोनों लेता है, पहले हल्दी लेता है बाद में कुमकुम लेता है। देखिए तो पहले मांग में क्या हल्दी किले लगा किले, देखिए पहले हल्दी आप मांग में लगा हुआ। हाँ लिया लिया
ये मैंने लिया थोड़ा सा तुम्हें उसमें मुंह रख देते। पूछे तो पहले क्या हुआ है ऐसे निकलते रहे। अब तुमको क्या हो गया भाई? पटिया है क्या? हो रहा उसको, पटिया हो रहा है। क्यों, क्या हो गया उसको भी? आदत बन गई है। क्या हो गया? क्या हो गया अभी? बाप रे, उसको करने दो थोड़ा एक बार। दे उसको प्लेट, करने दो उसको। जा, हाँ देखा, उसको वही करना था। जा बेटू, जा बस ना बेटा, किया ना अभी ना, उनको लगा दो टीका ऐसा। ये मैंने आपके लिए लाया, ठीक है? आप अपना बुक वुक सब संभाल के रखेगा अभी इसमें, सब ऑर्गेनाइज करके रखना, ठीक है? संभाल करके। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी अपने शक्कर डाल दिया बेटा, उसको पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ओके। सबसे पहली बुक रखी जा रही है इसके अंदर, हमारे छोटे से प्यारे से कबर्ड के अंदर, और वो है बुक हनुमान जी की। हमने स्टोरी की बुक मंगाई थी बहुत सारे देवताओं की, हनुमान, राम, कृष्णा, तो एक हनुमान जी की है। सबसे पहले ये रखेंगे, चलो बेटा ये, और इनका नाम है कृष्णा, और ये रखेंगे, हनुमान जी की बुक रखी है। टिडिंग डिंग, ये क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, रख दो वो एक और, ठीक है। बाकी सब अब छोड़ दो बेटा, बाकी सब हम रख देंगे। हाँ चलो आ जाओ बच्चे, चलो। अरे बेटा ऐसे नहीं रखते बुक, दैट्स नॉट, बंद होने आ गया बेटा, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म। चलो 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 चलो, तड़ंग। तो यही था दोस्तों, यही छोटी सी प्यारी सी चीज़ लाई थी मैंने, ये बच्चा पार्टी का किताबें रखने के लिए, क्योंकि अभी से जिस चीज़ से नॉलेज में और उस चीज़ का रेस्पेक्ट करना जरूरी, मैंने यहाँ पर ही पढ़ी थी और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये लाया। उसकी किताबें भी रहेंगी और कुछ कपड़े भी रहेंगे, ऊपर कुछ सामान भी रख पाएंगे। तो यही था बस आज का व्लॉग, पसंद आया तो लाइक करें, जो भी है आपके दिल में दिमाग में मुझे कमेंट में बताइए। एंड इफ यू न्यू, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, और हमारे सारे वीडियोस व्लॉग्स जरूर देखना। हम अच्छे अच्छे ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाते रहते हैं और 100% आपको पसंद आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने। बाय बाय, टेक केयर।